तो निर्लज्जता की प्रकाष्ठा है। इसका मतलब है कि जो दुल्हन के कमरे में पुरुष पुलिस घुस करके सर्च कर रही थी, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के इशारे पर कर रही होगी। बिना महिला कांस्टेबल के 21 मैनुअल में लिखा हुआ है, अपने जिद के कारण आम लोगों को दहशत में रखना, गरीबों को परेशान करना। बीजेपी वाले कह रहे हैं शराबबंदी कानून वापस लो, जिनके कृपा से ये मुख्यमंत्री, या तो वापस लीजिए या बीजेपी के उन माननीय विधायक पर कार्रवाई करवाइए, या नहीं तो बीजेपी का साथ छोड़िए, हिम्मत है तो। ये सब सिर्फ आप आम लोगों को परेशान कर ले। जहाँ शराब जो माफिया शराब तस्कर ला रहा है, शराब बेच रहा है, उस पर तो कार्रवाई करवाने की हिम्मत है नहीं, वहाँ तो सर्च पुलिस करेगी नहीं, वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी नहीं, लेकिन आप दुल्हन के कमरे में पुलिस को भेज रहे हैं। वाह, क्या आपका सुशासन है और कानून है, ये तो दिख रहा है। आपने कबूल कर लिया कि हमने कहा है। क्या हाल हुआ, क्या हुआ उस शपथ का? कई बार शपथ लिए गए, मानव श्रृंखला बनाए गए, हस्त्र क्या हो रहा है? जिनके साथ सरकार में है जो सबसे बड़ा घटक दल है बीजेपी, बीजेपी के कई विधायक कह रहे हैं शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए, तो पहले या तो उस विधायक पर कार्रवाई करवाएं, या नहीं बीजेपी का साथ छोड़ें, या नहीं तो शराबबंदी कानून वापस लें। ये सब नाटक नौटंकी बंद करें। तो आपस में खटपट तो देखने को मिल ही रही है लगातार, बीजेपी जेडीयू एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। तो हम कह रहे हैं तो फिर जब सरकार में शामिल दलों के अंदर ही नीति एक नहीं है तो क्या होगा बिहार का? बिहार की जनता तो भगवान भरोसे है, इसलिए अब तो जो हश्र हो गया है शराबबंदी कानून का, ये किसने किया है? शराबबंदी कानून फेल तो बीजेपी और जेडीयू ने मिल करके 2005 से 15 तक पहले शराब बेचवाई, शराब पिलवाई, लोगों को शराब की दुकानें गली गली गांव गांव खुलवाई। और आज जब महागठबंधन की सरकार बनी थी हम लोगों की, तो शराबबंदी कानून लागू हुआ। जब से फिर से वापस चले गए नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ, तो फिर देख लीजिए क्या हाल है शराबबंदी कानून। शपथ का कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? भाई शपथ का असर अभी तक क्या पड़ा, कितना बार शपथ लिया गया? जिस राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो शपथ लिया था, जब उन्होंने खुद शपथ तोड़ दिया, तो फिर दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट आई है लगातार, दूसरी रिपोर्ट जो है नीति आयोग की आई है, कुछ दिन पहले ही जदयू की तरफ से 15 साल बेमिसाल मनाया गया था। भाई ये इसका इससे बड़ा मिसाल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस मामले में तो बेमिसाल है कि हर रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी राज्य है। ये तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी का रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। उसमें जो नया रिपोर्ट आया है, गरीबी में फर्स्ट बिहार, कुपोषण में फर्स्ट बिहार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पता नहीं, इसी के लिए बेमिसाल बिहार कि हर रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी राज नीचे से टॉप कर रहा है, इसके बाद भी इन्हें कुछ नहीं पता। तो बिहार का जिन्होंने कर दिया बुरा हाल, वो कह रहे हैं बिहार बेमिसाल, बिहार हो गया बदहाल। थोड़ा सा भी लोक लाज अगर है तो इस रिपोर्ट को सामने रख करके कुर्सी छोड़ देना चाहिए।